हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है कि हम बच्चों को फोनिक के साथ अल्फाबेट की बुक कैसे पढ़ना सिखा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब हमें लेटर के थ्रू ही पढ़ाया जाता था, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट। आजकल बच्चों को लेटर की फोनिक साउंड सिखाई जाती है ताकि बच्चों को लेटर की फोनिक साउंड पता लगे और बच्चे को जब वो सेंटेंसेस बनाए और वर्ड बनाना सीखे तो उन्हें इंग्लिश पढ़ने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और बच्चा बहुत इजीली इंग्लिश को पढ़ना सीख जाए। तो जब भी आप बच्चे के लिए इस तरह की अल्फाबेट बुक परचेज करें तो कोशिश करें कि ए से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा वर्ड हो ताकि बच्चों की वोकैब भी इंक्रीज हो और बच्चा बहुत इजीली पढ़ना भी सीख जाए। जब आपने लेटर बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाने हैं तो आपने कैपिटल और स्मॉल दोनों ही सिखाने हैं कि ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, क्योंकि दोनों की जो फोनिक साउंड है वो एक ही है। जैसे आपने बुक बच्चों को पढ़ना स्टार्ट करवाना है तो ऐसे सिखाना है, कैपिटल ए स्मॉल ए, ए एप्पल, ए की फोनिक साउंड होती है ए, ए एप्पल, ए आंट, ए एक्स, ए एरोप्लेन। कैपिटल बी स्मॉल बी, ब बॉल, ब बैग, ब बैट, ब बलून। नेक्स्ट, कैपिटल सी स्मॉल सी, सी की फोनिक साउंड होती है क, क कैट, क कैप, क कार, क कैमल। कैपिटल डी स्मॉल डी, डी की फोनिक साउंड है ड, ड डॉग, ड डोर, ड डियर, ड डॉल्फिन। कैपिटल ई स्मॉल ई, ई की फोनिक साउंड होती है ए, ए ईयर, ए एक, ए इंजन। कैपिटल एफ स्मॉल एफ, एफ की फोनिक साउंड होती है फ, फिश, फ फैन, फॉक्स, फ फ्रॉग। कैपिटल जी स्मॉल जी, जी की फोनिक साउंड है ग, ग गर्ल, ग गिटार, ग गोट, ग ग्रेप्स। कैपिटल एच स्मॉल एच, एच का फोनिक साउंड होता है ह, ह हैन, ह हैट, ह होरन, ह हाउस। इस तरह हम बच्चों को सभी लेटर्स की फोनिक साउंड बहुत अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और बोलना सिखा सकते हैं। ए ब क ड ए फ ग ह ई ज क ल म न ओ प क्वा र स ट अ व व कस य ज। तो इस तरह आप बच्चों को फोनिक्स के थ्रू पढ़ाइए। डेफिनेटली बच्चों को दो या तीन दिन अगर आप प्रैक्टिस दोगे एक ही लेटर को तो बच्चे को वो लेटर की अच्छी तरह से पहचान भी हो जाएगी और बच्चे को उस लेटर का फोनिक साउंड भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा।